वेलकम टू वेबजीपा इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्लेसिट से क्रॉप टॉप के फ्री मॉकअप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे को प्लेसिट में आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, क्रॉप टॉप, हमें क्रॉप टॉप के मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे सर्च मॉकअप्स लिखा है, यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, क्रॉप टॉप्स। ओके, तो क्रॉप टॉप वुमेन यहाँ पे आ गया है, क्रॉप हुडीज यहाँ पे आ गया है, क्रॉप टी शर्ट वुमेन आ गया है, यहाँ पे क्रॉप टॉप शर्ट मॉकअप आ गया है। तो हमें क्रॉप टॉप वुमेन ये हमें चाहिए, तो हमें इस पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो क्रॉप टॉप वुमेन यहाँ पे को आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, क्रॉप टॉप वुमेन के हमने यहाँ पे को मॉकअप्स डाउनलोड करने। ठीक है, तो जो भी मॉकअप हमें यहाँ से पसंद आता है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे जो भी क्रॉप टॉप है, जैसे ये इस वाले को करना है, तो क्या करेंगे, हमारे माउस का राइट बटन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब इस पर हम क्लिक करेंगे, तो न्यू टैब पे वो हमारे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कोई दूसरा क्रॉप टॉप चूज़ करना है तो वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रॉप टॉप आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी अच्छा लग रहा है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर इतने सारे जो हमारा फर्स्ट पेज है इनमें से जो भी क्रॉप टॉप है वो आपको पसंद नहीं आते या कोई आपने यूज़ कर लिया है, अगर हमें और क्रॉप टॉप चाहिए या फिर और हमें जो है मॉकअप्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे बॉटम पे आएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे कई सारे। ठीक है, तो लास्ट जहाँ तक नंबर लिखे उतने हमारे पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो जैसे अभी हम फर्स्ट पेज पे सेकंड पे क्लिक करेंगे तो हम सेकंड पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ हमारे पास नए हमें मॉकअप्स मिलेंगे। ओके, तो ऐसे ही हमें और न्यू मॉकअप्स चाहिए या फिर हमें ज़्यादा मॉकअप्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे बॉटम पे जो पेज नंबर है उन पे से जिस भी पेज नंबर पे हमें जाना है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो और मॉकअप्स अगर हमें डाउनलोड करने, तो यहाँ से हम और मॉकअप्स भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस वाले को करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ओपन लिंक इन न्यू टैब, अभी ओनली यहाँ पे को 3 टैब्स जो है वो ओपन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक फोर्थ टैब यहाँ पे एक और ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे एक और टैब हमारी ओपन होती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो टैब हमने ओपन करी है उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे और भी कई सारी इमेजेस मिल रही है। अगर हमें और इमेजेस चाहिए हैं सेम ऐसी या इसी से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पे को वो भी मिल रही है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे को चूज़ कर सकते हैं, इन पर भी सिंपली हमें राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है, तो वो भी न्यू टैब में यहाँ पे को ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही न्यू इमेजेस अगर हमें यहाँ पे को लेकर के आनी है, न्यू हमें मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं, तो क्या करेंगे, एक जो हमने सेलेक्ट किया उसी में यहाँ पे को हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, उन्हीं में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे को क्रॉप टॉप जो हमारा है उसमें हमें एक इमेज प्लेस करनी है। तो इमेज प्लेस करने के लिए यहाँ पे को हमें इमेज का क्या देखना पड़ेगा, साइज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो क्रॉप टॉप है उसका साइज़ क्या है, 750x750 पिक्सल्स। तो 750x750 पिक्सल्स की हमें एक इमेज यहाँ पे को चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे तो एक न्यू कैनवास यहाँ पे क्रिएट करेंगे 750x750 का। ओके, 750x750, तो 300 dpi। ओके पे क्लिक करेंगे तो न्यू कैनवास यहाँ पे को आ गया है। ओके, तो वापस से फाइल पे जाना है, प्लेस पे जाने में जो भी इमेज यहाँ से हमें सही लगती है उसे यहाँ पे को प्लेस कर देना है। तो इमेज हमने यहाँ पे को प्लेस कर दिए क्रॉप टॉप के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मर्ज करना है, इसके साइज को बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पे से करेंगे प्लेस, प्लेस करने के बाद इस इमेज को करना है हमें सेव, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद जेपीजी में इस इमेज को सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका नेम चेंज करना है, हमने यहाँ पे डाला है 02 प्लेसिट। ओके, तो 02 प्लेसिट के नेम से हमने इस फाइल को यहाँ पे को सेव कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, वापस से आना है हमारे प्लेसिट पे, प्लेसिट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा मॉकअप है उसमें जो भी हमारी इमेज साइज दी है वो हमें यहाँ पे को प्लेस करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस लिखा हुआ है इस पे जाना है, क्योंकि हम डिवाइस से अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी सेव करी है 002 प्लेसिट, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर सिंगल क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे, तो वो इमेज यहाँ पे को आ जाएगी। ठीक है, तो लाइव प्रीव्यू भी हम यहाँ पे को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू दिख रहा है, अगर इसी के साइज को बड़ा करेंगे तो भी ये इतने ही एरिया पे यहाँ पे को रहेगा। ठीक है, अगर इसके साइज को हम कम करते हैं तो भी ये इतने एरिया पे यहाँ पे को रहेगा, इसका साइज एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे को और भी क्रिएट करने, क्रॉप करेंगे, लाइव प्रीव्यू हमने देख लिया, क्रॉप करने के बाद देखेंगे यहाँ पे को ये इमेज जो है जो हमने यहाँ पे को क्रॉप करी है वो हमारी जो क्रॉप टॉप है उस पर आ गई है। ऐसे ही हमें और इमेजेस यूज़ करनी है तो हम इसके जगह पे और इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें फोटोशॉप में जाके जो उसका साइज़ है, जो हमारी इमेज का साइज़ है उसे रीसाइज करना है। ठीक है,
तो ऐसे ही यहाँ पे को अभी हमें क्या करना है, क्रॉप टॉप का कलर चेंज करना है। अभी व्हाइट है, ब्लैक अगर हमें यूज़ करना है तो हम इसमें ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक लाइट में करना है, डार्क में करना है, जिस भी कलर में हमें ब्लैक चूज़ करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारी स्कर्ट का कलर है, स्कर्ट में भी अभी पिंक कलर है। इसके अलावा अगर हमें कोई कलर यहाँ पे को चूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे ग्रीन, ग्रीन कलर चूज़ कर लिया, ग्रीन यूज़ करना है तो ग्रीन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम स्कर्ट का कलर, हमारी क्रॉप टॉप का कलर और भी हम यहाँ पे को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे को इस मोकअप को डाउनलोड करना है। सेकंड पे देखेंगे तो सेकंड पे भी सेम वही हमारे पास मोकअप है, ओके। इसमें से भी हमें क्या करना है, कोई भी इमेज यहाँ पे को प्लेस करनी है, ये भी 750x750 है। तो अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस पे जाएंगे, इस पे भी एक इमेज यही वाली हमने प्लेस करनी है, डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे को प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे को प्लेस हो गई है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पे को आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को अगर हमें रिसाइज करना है या अपलोड सॉरी रिसाइज करना है या फिर रिप्लेस करना है या रिमूव करना है तो वो हम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर को हम देखेंगे, यहाँ पर को हम क्या लिखा हुआ है, रिसाइज, ठीक है। रिसाइज पे क्लिक करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करने का इसकी साइज को छोटा या बड़ा करना है तो वो हम करके इसको सेव कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे को रिप्लेस लिखा हुआ है, रिप्लेस में अगर हमें इसकी जगह पे कोई दूसरी इमेज लेकर के आनी है तो हम वो भी लेके आ सकते हैं। इस इमेज को हटाना है तो रिमूव पर क्लिक करेंगे तो इमेज पूरी हट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे को इनको डाउनलोड करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिखा है डाउनलोड, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे डाउनलोड होने के लिए, इमेज डाउनलोड होने के लिए प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग या मोकअप, तो मोकअप जो है वो उसमें प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे को जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्लिक होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे को हम देख रहे हैं कि हमारा जो मोकअप है वो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे यहाँ पे को चेक कर सकते हैं, हमने जो मोकअप क्रिएट किया था, हमारा क्रॉप टॉप का जो मोकअप है वो यहाँ पे को रेडी है, ठीक है। यही हमने मेकअप जो है डाउनलोड किया था, इसका हमने स्कल का कलर चेंज किया है, हमारे टॉप का कलर चेंज किया है, तो हमने यहाँ पे को एक मेकअप जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो ऐसे ही हमें और भी मेकअप्स अगर क्रिएट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।